सर समथिंग सर विच इन सर जो समथिंग विच इनक्लोज करती है, इनसर्कल्स जो द चेस्ट कैविटी। इनक्लोज करती है चेस्ट पेक्टोरल गर्डल बेटे, आई टोल्ड यू इट इज अ सेट ऑफ द समथिंग बोन्स, इट इज यस सर, अ जो इनसर्कल करता है सेट ऑफ चेस्ट द कैविटी को। बोन्स दैट एनसर्कल द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट कैविटी, ठीक है, लाइक अ कॉलर, राइट. एंड देर इज अनदर डेफिनेशन वी कैन यूज, दैट द पेक्टोरल गर्डल इज अ सेट ऑफ द बोन्स बाय विच द अपर लिम्स इज अटैच टू द एक्सियल्स इज अटैच टू दी बोथ साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है. इट्स ए सेट ऑफ द बोन्स ऑफ क्लाइविकल एंड स्कैपुला ओवर हियर, क्लाइविकल एंड द स्कैपुला ओवर हियर इज अ सेट ऑफ द बोन्स बाय विच द अपर लिम्स आर अटैच टू द साइड ऑफ द बॉडी, ठीक ठीक है जी. ओके सो क्लाइविकल वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्लाइविकल ऑलरेडी, सो नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द अदर बोन ऑफ द पेक्टोरल गर्डल दैट इज कॉल्ड एज द स्कैपुला, ठीक है जी. ओके स्कैपुला इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शोल्डर ब्लेड, ठीक है, यू कैन सी द स्कैपुला ओवर हियर, राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शोल्डर ब्लेड और द विंग बोन, ठीक है, शोल्डर ब्लेड और द विंग बोन. एंड स्कैपुला इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड, ठीक है, इट्स अ लैटिन वर्ड विच मीन्स द शॉवल और द स्पेड. शॉवल कहते हैं बेटे, दिस इज अ टूल विच इज यूज बाय द गार्डनर्स हैविंग अ यू नो हैंडल एंड अ ब्लेड बाय विच दे आर गोइंग टू डिग द ग्राउंड, ठीक है ना, सॉइल को डिग करने के लिए यूज करते हैं. कभी देखा है शॉवल आप लोगों ने? यस सर, यस सर, ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक अ शॉवल. सो इट्स अ लैटिन वर्ड फॉर द शॉवल बेसिकली, स्कैपुला. दैट्स व्हाई दिस बोन इज कॉल्ड एज स्कैपुला अकॉर्डिंग टू दिस शेप. वेल इट इज थिन बोन, थिन एंड फ्लैट बोन, ठीक है ना, थिन एंड द फ्लैट बोन एंड इट इज ट्राइंगुलर इन शेप. यू कैन सी थिन एंड द फ्लैट बोन विच इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड इट इज द पेयर्ड बोन, वन ऑन ईच साइड, ठीक है जी. व्हाट इज द लोकेशन? When we talk about the location, it is located at the posterolateral aspect of the thoracic cage. You see, this is the anterior view. Okay, this is the anterior view. You can see it is present on the posterolateral aspect of the thoracic cage, right? And posterolateral aspect of the thoracic cage between the second to seventh rib. Okay, ये extend कहाँ से करती है? बस जो इसके जो है ये superior angle देखें, it is lying at the level of the second rib. So it extends from second rib to the सेवेंथ रिब, ठीक है जी, क्लियर. सो आई रिपीट इट अगेन, इट इज थिन फ्लैट ट्राइंगुलर बोन विच इज लोकेटेड एट द पोस्टर लिटल एस्पेक्ट ऑफ द थ्रेसिक केज बिटवीन द सेकेंड टू द सेवेंथ रिब. कोई प्रॉब्लम जी? वेल व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कैपुला स्पेसिफिकली फॉर गोइंग इन द फर्दर डिटेल्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस बोन it has got the two surfaces. One is the costal surface. Of course, costal surface, it means that it is a surface which is towards the kis taraf hogi ji, costal surface hai to kis taraf hogi? Towards the thoracic cage, theek hai na, ribs and the costal cartilages ki taraf hogi. That's it, this surface, this is the costal surface. And it has got a dorsal surface, right? Dorsal means on the posterior, theek hai ji. So it has got two surfaces, the ventral surface or the costal surface and the dorsal surface. Now it has got three borders, the superior border, this one, the superior border, it has got the medial border, it has got the lateral border, right? Do surfaces iske teen border hai ji. Surfaces kaun si hain? Ventral and the dorsal, or the costal or the dorsal. And the borders are superior border, then the this one is a medial border, and this one is a lateral border, right? Three borders. It has got three angles. The superior angle, this one, inferior angle here, and the lateral angle, right? Is it clear? वर्टिकल वन दैट इज अ मीडियल बॉर्डर एंड दिस ओब्लीक वन दैट इज अ lateral border, right? Three borders: superior,
मीडियल एंड लैटरल, ठीक है जी। इट हैज गॉट थ्री एंगल्स, दिस टिप दैट इज अ सुपीरियर एंगल विच इज फॉर्मड बाय द जंक्शन ऑफ दिस सुपीरियर एंड द मीडियल बॉर्डर, ठीक है। दिस इज अ सुपीरियर एंगल, दिस वन इज अ इन्फीरियर एंगल दैट इज बिटवीन द मीडियल जंक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियल एंड द लैटरल बॉर्डर, दिस इज द इन्फीरियर एंगल, एंड दिस वन अपर वन दैट इज कॉल्ड द लैटरल एंगल विच इज मार्क्ड बाय दिस स्पीयर शेप्ड कैविटी दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है। दिस इज द लैटरल एंगल, इज इट क्लियर जी? ओके, तो लैटरल एंगल एक बार बता दो बेटा, ये दोबारा रिपीट करते हैं, नहीं समझ आया। आप ये पॉइंटर देखिए कहां पे है जी, दिस वन, तो सिर्फ लैटरल, सिर्फ लैटरल बता दूं। ओके ओके दिस वन, ओके दिस वन लैटरल, ये आप देख रहे हैं, ये लैटरल बॉर्डर को आप ट्रेस करें अपवर्ड्स, तो यहां पे आपको ये एक कैविटी सी नजर आ रही है, उसका यहां पे एक व्यू नजर आ रहा है, दिस वन, दिस ग्लेनॉइड कैविटी, दिस स्फीयर शेप्ड कैविटी दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लेनॉइड कैविटी, सो दैट्स व्हाई दिस लैटरल एंगल इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्लेनॉइड एंगल, ठीक है जी, ठीक हो गया सर, ठीक है जी। और ये पूरा जो एक राउंडेड, हाँ जी, सरफेस है, ये सारी एंगल है, जी जी, दिस एंगल इज बेसिकली अ पियर शेप्ड कैविटी दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है बेटा। ओके सर, ये बॉर्डर से ऊपर है ना जी? सर मीडियल बॉर्डर भी बता दें। मीडियल बॉर्डर बेटा ये है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन द सुपीरियर एंगल से शुरू होता है, रनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड इज गोइंग टुवर्ड्स द इंफीरियर एंगल, ठीक है, दिस इज द मीडियल। सर ये जो जहां पर ग्लेनॉइड कैविटी है वहां पर रहना है ये एंगल लेटरल बॉर्डर से ऊपर, जहां पे एंड हो रहा है लेटरल बॉर्डर, ये वाला जी? यस सर। हां बेटा, ये लेटरल बॉर्डर जहां पे खत्म हो रहा है ना, वहां पे ये एंगल है, ये कैविटी, ये देखिए, ये लेटरल बॉर्डर आ रहा है ना, ये लेटरल बॉर्डर आ रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, उसके ऊपर आपको ये पियर शेप्ड कैविटी नजर आ रही है which is basically forming the lateral angle of the scapula. Is it clear? Okay, sir. Everything yes, sir. Is clear? Okay. Now it has got three processes. ठीक है? Dorsal surface पे आपको एक thin plate of bone नजर आ रही है, ये वाली. ठीक है? ये. Right? नजर आ रही है बेटे? कोई problem तो नहीं इसमें? आ रही है नजर सर. Specifically, you see this one, ठीक है, इसकी torsal surface पे, this is a triangular thick plate of the bone that is projecting backwards and that is called as the spine of scapula, ठीक है, the first process is what, the spine of the scapula, ठीक है, उसके बाद this spine of scapula it is continuous laterally and expands and form this oblong shape and this process that is called as the acromion. Padha tha na ji acromion, jiska medial border joint bana raha tha clavicle ke sath, clavicle ke sath, yes theek hai. So this is the other process is the acromion, this is present on the dorsal aspect, right, or ventral aspect pe here you can see this another process, a conical shaped process over here that is called as a coracoid process, theek hai ji. Again it has got three processes, number one the spine of the scapula, here the spine that is present over the, it's a thick plate of the bone present on the dorsal surface which is basically dividing the dorsal surface into the two parts, the supraspinous fossa and the infraspinous fossa. Its name is representing a supraspinous above the spine, infraspinous below the spine, theek hai. So ye jo spine hai ye iski costal surface pe hai ya dorsal surface pe? Dorsal surface bete, maine aapko bataya hai, theek hai, on the dorsal surface you can see, ye ko ek aur jagah pe dikhata hu. Look at this one. ठीक है? This is a spine present on the dorsal surface of scapula. This one, ठीक है? Which is going to divide this dorsal surface into the supraspinous fossa and the infraspinous. ठीक है? And उसके ऊपर, if this spine is continuous laterally into the oblong shape कौन सी होती है? जिसमें longitudinal length is more than the width. ठीक है ना? Rectangle है जिसकी length ज़्यादा है, width कम है, right? This oblong shape process that is called as a acromion process. ठीक है बेटा, एंड द थर्ड वन इज अ, हियर यू कैन सी दिस वन, दिस कलर, दिस दिस वन, दिस प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट, ठीक है, टुवर्ड्स द वेंट्रल, ये जा रहा है टुवर्ड्स द वेंट्रल एस्पेक्ट, ठीक है,
that is called as a coracoid process. ठीक है, so three processes: the spine of scapula, the acromion process, and then the coracoid process. Is it clear, जी? क्या problem बच्चे? Okay. No sir. So this bone, it has got two surfaces, ventral and dorsal, three borders, superior border, medial border, lateral border, three angles, superior angle, inferior angle, and the lateral angle, and the three processes: the spine of scapula, acromion process, and the coracoid process. Clear? Okay. Now we'll go for the site determination. इसकी site determination हम कैसे करेंगे जी? When we talk about site determination, सबसे पहले we'll talk about number one. We have got this lateral angle. That is what? That's the glenoid cavity. This glenoid cavity is directed laterally. ठीक है जी? That lateral angle, it bears a pear-shaped cavity that is called the glenoid cavity. ठीक है? Number two, its dorsal surface is convex, characterized by the presence of the spine, which is dividing the dorsal surface into the supraspinous and the infraspinous fossa. And third point is its ventral surface is concave. ठीक है? And that is also called as a costal surface. ठीक है? And it is concave. Why? Because it is going to fit in the convexity of the chest wall. Is it clear? The costal surface is directed anteriorly. It's a ventral one. Right? And the last one, the lateral border is thick. ये rod shape होता है. ठीक है? बाकी इसके ये superior border, medial border, these are like a thin plates. Whereas this lateral border, it is thick, which is running below the glenoid cavity up to the inferior ring. Is it clear, G? So we have got these four points of site determination. Number one, the glenoid cavity directed laterally, right? The dorsal surface is convex, marked by the presence of the spine. The costal surface is concave towards the chest wall. And here, this lateral border, it is a rod shaped. It's a thicker one extending below the inferior, running inferiorly and obliquely below the glenoid cavity towards the inferior. Is it clear, ji? Side determination mein koi problem to nahi hai beta? Bolo bhai, jawab do, jo so gaye ho kya? No sir. Okay. Yes. Sir, ek sawal tha. Ji. Agar is bone ko agar hum as a example lein ki hamare haath mein, to ye wali jo bone jo diagram nazar aati hai, ye kaun se side ki bone hogi? Aap batao. आपको पता है? मुझे नहीं पता ये राइट कोरल गर्डल की साइड है, ये राइट साइड. देखिए जी बेटा, हां ये इफ यू आर नॉट टेकिंग इट एज अ मिरर इमेज, ठीक है, अगर आप इसको मिरर इमेज नहीं ले रहे हैं, इसे आप सिंपल इमेज ले रहे हैं, तो देन हियर यू कैन सी दिस वन, द ग्लेनॉइड कैविटी डायरेक्टेड लेटरली. ठीक है, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, राइट, कॉन्वेक्स सरफेस इज डॉर्सली, राइट, सो इट इज ऑन द राइट साइड, इट्स अ बोन ऑफ द राइट साइड. ठीक है, क्लियर? यस सर, समझ गया. ये भी पूरा, ये राइट साइड की बोन पड़ी है, देखना ये इसका लेटरल बॉर्डर है, दिस इज अ लेटरल और एक्सिलरी बॉर्डर, दिस इज अ ग्लेनॉइड कैविटी. ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस भी इट इज डायरेक्टेड लेटरली. ठीक है, इट इज आल्सो डायरेक्टेड लेटरली. ठीक है, ओके, इज इट क्लियर जी? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द सरफेसेस, वी विल डिस्कस द सरफेसेस वन बाय वन. The medial, the costal surface, it has got two surfaces, the costal surface and the dorsal surface. First of all, the costal surface. Now the costal surface, if I look over the costal surface, I told you that it is concave and it is directed towards the rib cage. ठीक है, ये आपके ribs और costal cartilage की तरफ, right? And it is concave. Why? It is going to fit with the convexity of the chest wall, right? And this depressed area over here. You see, now this is a costal surface, and you can see this concavity. That concavity is going to form a fossa that is called as a subscapular fossa. Okay, a big concavity present on the ventral surface or the costal surface of the scapula. It is named as the subscapular. Subscapular means? क्या मतलब होगा जी? सब का क्या मतलब होता है?
स्कैपुला के नीचे जी, अंडर द स्कैपुला, ठीक है. ओके सो दैट इज कॉल्ड द सबस्कैपुलर फोसा एंड दिस सबस्कैपुलर फोसा इज डायरेक्टेड मीडियली, दिस सरफेस इज डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड्स. ठीक है, इफ यू हैव अ लुक. It is directed medially and forwards. Okay, it is directed medially and forward, so that is going to fit in with the convexity of the chest wall. Okay, and the thing is that it is marked by the presence of the three longitudinal ridges. You can see these three longitudinal ridges, right? It is marked by the presence of these three longitudinal ridges and there is another thick ridge which is just going to adjoin the lateral border here, the longitudinal ridge which is just going to adjoin the lateral border, right? And this is going to form the rod like shape of this, you know, lateral border, right? So this concave surface, it is going to form a fossa that is called as a subscapular fossa, which is marked by the presence of these three longitudinal ridges and the one ridge which is just going to adjoin this lateral border and making it just a rod like area in that region. Okay, and this space, this fossa is going to give origin to the muscle. The medial two-third of this space, this fossa is going to give to origin to a muscle that is called as a subscapularis muscle. ठीक है जी, here you can see this muscle, the subscapularis muscle coming from the medial two-third of the subscapular fossa, and it is just passing laterally, tendons passing laterally is going to be tied to the lesser tubercle of the humerus. You can see this. Is it clear, जी? Costal surface में कोई problem तो नहीं है. ये concave है, which is lying along the convexity of the chest wall, named as subscapular fossa. The muscle originating from here that is called as the subscapularis. कोई problem? Okay. We'll go for the dorsal surface. You can see also here. You can see this one. ठीक है? Medial surface. The medial two-third is going to give this big muscle origin to the subscapularis muscle on the costal surface. Okay. Now we'll talk about the dorsal surface. Dorsal surface, I told you that it is convex and it is characterized by the presence of this thick triangular prominent plate of the bone, which passes obliquely from the medial 4/5 of the upper part. ठीक है, मिडिल 4/5 से इट इज ट्रेवलिंग ओब्लिकली. ठीक है, मिडिल 4/5 ऑफ द स्कैपुला. ठीक है, एट सुपर पार्ट. सो इट इज द थिक ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ द बोन व्हिच पासेस ओब्लिकली फ्रॉम द मिडिल 4/5 ऑफ द स्कैपुला एट इट्स अपर पार्ट. यू कैन सी दिस, राइट? ओके, नाउ एंड इट इज गोइंग टू डिवाइड दिस डोर्सल कन्वेक्स सर्फेस इन टू द टू फोसा, द सुप्रास्पाइनस फोसा एंड द infraspinous fossa. ठीक है, supraspinous fossa and the infraspinous fossa, and these two fossas communicate from this, you know, from this lateral edge, behind this lateral edge of the bone. Here you can see this spine, this supraspinous fossa and the infraspinous fossa, and here you can see these two fossas communicate at this part of the spine with each other, and this concavity, you can see this over this place, this is called as the spinoclinoid notch. So these two fossa communicate with each other by this spinoclinoid notch. It is called a spinoclinoid because it is present between the spine and the glenoid cavity. ठीक है, ये glenoid cavity और ये spine के दरमियान से, because वहाँ पे junction में मौजूद है, that is called as a spinoclinoid notch. Is it clear, जी? Here you can see this one. So these two fossa communicate with each other by this spinoclinoid notch. And it is also called as the greater scapular notch. ठीक है, it is also called as the greater scapular notch. Right? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes. And this notch, it is converted into the foramina by a ligament that is called as the spinoglenoid ligament. Right? Spinoglenoid notch is converted into the foramina that is called as a spinoglenoid ligament. By the ligament and through that foramina, two structures are passing. These are the suprascapular vessels and the nerves. ठीक है, यहाँ से कौन सा structure pass करते हैं जी? Suprascapular vessels and the nerves. Is it clear?
Here you can see the suprascapular vascular nerves. These are passing through this supraspinous fossa se aa rahe, and they are going to pass to this supraspinous. Spinoglenoid foramina and going to the infraspinous fossa. Is it clear? You can see the two switches are passing through here. ठीक है जी, आगे चलें. ओके. यस सर. नाउ फ्रॉम द सुप्रास्पाइनस फोसा, द मीडियल टू थर्ड ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा, देयर इज अ मसल व्हिच इज गेटिंग ओरिजिन फ्रॉम हियर एंड दैट इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल. ठीक है, यू कैन सी दिस सुप्रास्पाइनेटस मसल व्हिच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मीडियल टू थर्ड ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा, ऑफ कोर्स द सुपीरियर सरफेस ऑफ दिस स्पाइन आल्सो. ठीक है, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ एडजॉइनिंग सरफेस ऑफ दिस स्पाइन. ठीक है, और ये मसल यहाँ से कटिंग ओरिजिन एंड पासेस जस्ट अंडर द एक्रोमियन पासेस एंड इज गोइंग टू विजिट द फेसेट, द स्वीडर फेसेट टुवर्ड द ग्रेट ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, तो ह्यूमरस का ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, यहाँ पे तीन फेसेट्स होते हैं, तो ये जो सुप्रास्पाइनेटस है इसके जो अपर फेसेट है वहां पे जाके अटैच होते हैं. इज इट क्लियर? ओके, द from the infraspinous fossa, again from the medial two third, another muscle is getting origin, and that is called as the infraspinatus muscle, right? And its fibers also directed lateral, is directed laterally, and they are going to form a tendon which is going to visit to the middle facet of the greater tubercle. ठीक है जी, कोई problem तो नहीं है बच्चे? ठीक है, so dorsal surface पे ये muscle क्यों समझ आए? जी, sorry. Sir, inferior और supra जो spinous है, ये तो dorsal side पे है ना? जी जी. अभी डोर्सल सरफेस पर है ना, तो जो पीछे आपने भी मसल दिखाया है वो तो वेंट्रल नहीं बेटे, वो भी डोर्सल बेटे, ये स्पाइन है ना, दिस इज स्पाइन. तो ये जो आपको नजर आ रही है स्पेस, दैट इज अ सुप्रास्पाइनस फोसा एंड दिस इज अ इंफ्रास्पाइनस फोसा. सुप्रास्पाइनस फोसा में से सुप्रास्पाइनेटस ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, और इंफ्रास्पाइनस में से हियर यू कैन सी this is spine over there, और ये supraspinous fossa है और ये infraspinous है. ये supraspinatus है जो यहाँ से आ रहा है, इसके नीचे से गुजरेगा और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा. And this is infraspinatus जो यहाँ से originate कर रहा है और यहाँ से आके इट इज गोइंग टू अटैच ओवर द दिस मिडिल फैसेट, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा. Is it clear? Yes, sir. Okay, जी. Now, we have to finish with the spaces. Now we'll talk about the processes. ठीक है? And I have told you थ्री प्रोसेस मैंने आपको बताया. नंबर वन कौन सा था? द देयर इज वन, देयर इज वन दैट इज कॉल्ड द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, राइट? सो दिस स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एज आई टोल्ड यू दैट इट इज थिक ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ द बोन. ठीक है, इट इज थिक प्रोमिनेंट एंड ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ द बोन दैट क्रॉसेस ऑब्लिकली फ्रॉम द फोर्थ फिफ्थ ऑफ द फॉर द फिफ्थ ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द यू नो मीडियल ऑफ द पार्ट ऑफ द स्कैपुला. ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टेड लेटरली. ठीक है, इट इज डायरेक्टेड लेटरली and upwards. It is directed laterally and upwards, and its root, it is just lying closer to the medial border scapula. This is the root of the scapula, right, which is just attached, just that jahan se ye aapki spine start ho rahi hai na, that is lying closer to the medial border of the scapula, and it is going to divide again the dorsal surface into suprascapular and the infrascapular fossa. Theek hai beta, supraspinous fossa and the infraspinous fossa. Now, and here you can see this root, it is present closer to the medial border. It is present at the level of the T3 vertebra. ठीक है बेटा, ये बात याद रखिएगा. It is present at the level of the T3 vertebra. ठीक है. Now, it has got three borders, beta. It has got the three borders. This is the posterior border. This one is the anterior border, and this one is the lateral border, and two surfaces. The inferior surface and the other one is the superior surface. ठीक है? Okay. ठीक क्या कह रहे हैं बेटे? Borders repeat करने के लिए. बेटे, it is called the this one is the anterior border by which it is attached with the dorsal surface of scapula. This one. ठीक है? Anterior border के साथ क्या है? It is fixed with the attached with the dorsal surface scapula. Its posterior border is free. ठीक है ना? Projecting upwards and dorsally, and this is free, right? And it has got the two lips, the upper lip, ठीक है,
and the lower lip. The posterior border is also called the crest of the spine. ठीक है जी, the posterior border of the spine, it is also called as a crest of the spine. It has got two lips. This one is the upper lip and this one is the lower lip. It has got a third border that is called as a lateral border. And this lateral border is forming what जी? मैंने बताया था. ये lateral border क्या बना रहा है जी? Notch. Yes, the medial border of the spinoglenoid notch. ठीक है? Right? It's going to form the medial border of the spinoglenoid notch. Very good. चलें. ठीक है जी? Okay. Now, इसकी मैंने कहा था स्पीनल सरफेस से कौन सा मसल ओरिजिनेट कर रहा है जी? The muscle which is also getting supraspinatus. Yes, which is coming from the supraspinous fossa से आ रहा है. That is supraspinatus. ठीक है? तो इसकी इसकी स्पीनल सरफेस से supraspinatus और inferior सरफेस से कौन सा मसल ओरिजिनेट कर रहा होगा जी? That would be the infraspinatus. Right? Okay. Now, have a look over this lower border of the scapula. ठीक है? Lower border of this scapular crest or the crest of the spine. It is going to give origin to the deltoid muscle. ठीक है बेटा? It is going to give origin to the deltoid muscle. And the upper border, it is going to give the insertion to the trapezius muscle. Right? Clear? Lower border of the crest of spine, it is going to give origin to the deltoid muscle. Whereas the upper border is going to give the insertion to the trapezius muscle. राइट ठीक है, हम आगे इसको एक दफा दोबारा देखेंगे. ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दिस. ओके, द अदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एक्रोमियन प्रोसेस. ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन अगेन इट्स अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक्रोस एंड ओमोस. ठीक है, एक्रोमियन है ना, एक्रोस और ओमोस. एक्रोस AKROS और ओमोस OMOS. राइट, सो एक्रोस मींस हाईएस्ट. ठीक है, एक्रोस का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट. और ओमोस का मतलब होता है, ओमोस का मतलब रिलेटिंग टू द शोल्डर. सो दिस इज गोइंग टू अटेन द हाईएस्ट पोजीशन ओवर द शोल्डर. ठीक है, इट इज गोइंग टू फॉर्म द समिट ऑफ द शोल्डर. यू कैन फील एट द टॉप ऑफ योर शोल्डर ना, द प्रोमिनेंट बोन ओवर द टॉप ऑफ योर शोल्डर, यू कैन फील दैट वन. दैट इज द एक्रोमियन प्रोसेस. सो ड्यू टू इट्स नेम इज बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट पोजिशन ओवर द शोल्डर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एक्रोमियन. ठीक है, it is triangular, meaning it's a rectangular, somewhat you can say the oblong in shape. ठीक है, and it is basically what the where the it's a continuation of spine. That the spine joint, it is projected laterally and upwards, it is you know expanded to form the acromion process. And as you can see, it extends laterally over the shoulder. ठीक है, it's your direction क्या बेटे, it is extending laterally over the shoulder and projects anteriorly, hooks over anteriorly. ठीक है ना, you can feel it ना, it is just hooking coming from the posterior aspect and coming anteriorly. ठीक है, so it is projecting laterally over the shoulder and hooks over anteriorly and attains the highest position of the shoulder. ठीक है ना, and it is going to overhang this glenoid cavity. Glenoid cavity को के ऊपर आ के ना, just making a roof like this. ठीक है ना, उसको overhang कर रहा है इसको glenoid cavity. समझ में आई बेटा इसकी direction? की problem तो नहीं है, right? It is coming from the posterior aspect as a continuation of the spine and is extending laterally over the shoulder, overhanging this glenoid cavity. ठीक है, and it is hooking over anteriorly. ठीक है, ये और ये आगे की तरफ आ रहा है, from posterior aspect is coming to anterior aspect, right? And its medial aspect is going to make a joint with the clavicle, that is called as the acromioclavicular joint. Problem बच्चे यहाँ तक? Acromion process में कोई problem है तो मुझे बताएं. Is it clear, everybody? किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा मुझसे पूछ लें. ओके, वेल इट हैज गॉट द टू सरफेसेस बेटा. इट हैज गॉट दिस वन, द सुपीरियर सरफेस, राइट, व्हिच इज कन्वेक्स. ठीक है, और इसकी जो इन्फीरियर सरफेस है दैट इज कनकेव. ठीक है, सुपीरियर सरफेस कन्वेक्स है और उसकी इन्फीरियर सरफेस कनकेव, स्मूथ होती कनकेव. ठीक है, एंड इट हैज गॉट द टू बॉर्डर्स. ठीक है, इट्स गॉट द टू बॉर्डर्स, वन इज द लेटरल बॉर्डर एंड द अदर वन इज दिस वन, द लेटरल बॉर्डर and the other one is the lateral, and dusra iska medial border. Okay, just show you another place. Okay, here you can see surface is your sphere surface and then inferior surface. But this one is a lateral border, this one the lateral border, and this one is a medial border. Okay, now if you remember
आई टोल्ड यू द अटैचमेंट्स ओवर द स्पाइन द लोअर लिप इज गोइंग टू गिव ओरिजिन टू द डेल्टॉइड राइट एंड इट इज कंटिन्यूअस अलोंग द लेटरल एज ऑफ दिस एक्रोमियन ओवर हियर यू कैन सी सो द लेटरल बॉर्डर इज गोइंग टू गिव ओरिजिन टू द डेल्टॉइड ठीक है वेयर एज the upper lip of the crest is going to give origin to the trapezius. So it is going to be continuous with the medial border of the acromion theek hai aur medial border of acromion ke sath kya aake attach ho raha hai yahan pe medial edge pe clavicle so this trapezius is going towards the posterior border of the clavicle and whereas the deltoid is going towards the anterior border of the lateral one third of the clavicle remember So you see, it is a linear origin of this muscle. ठीक है ये linear origin है muscle की starting from the anterior one third of the anterior border of the lateral one third of the clavicle, then this over here lateral edge of the acromion process, and then with the inferior lip of the crest of the spine. Likewise, the posterior border of the lateral one third of the clavicle trapezius, ठीक है along with the medial border of the acromion, and then with the upper lip of the crest of spine is it clear theek hai aur medial border pe maine aapko bataya tha there is a small facet for the articulation with the lateral end of the clavicle forming the acromioclavicular joint this one. Is it clear ji is it clear yes sir yes sir facet bata de dobara ji bete facet ka bata de jo bhi aapne bataya मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही क्या बता दूं फैसेट के बारे में बता दे जो भी आपने कहा है कि एक्रोमियल प्रोसेस पे फैसेट है जो अटैचमेंट्स की बात कर रही है बच्चे कि ये कैसे एक्सटेंड करती है फ्रॉम द क्लेविकल टू द फैसेट के बारे में पूछ रही है फैसेट लास्ट क्लेविकल अटैच फैसेट 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 बट हियर यू कैन सी आई टोल्ड यू ना द लिटिल एंड ऑफ द क्लेविकल इज गोइंग टू मेक अ जॉइंट ऑन द मीडियल border of the acromion process so ye facet hai na bache here you can see this one theek hai ye little end of the clavicle aa raha hai jo ki yahan pe which is present on the medial border is center of the medial border of the acromion theek hai wahan pe there is a facet jahan se it is going with which it is going to make a joint with the little end of the clavicle this one theek hai in the middle of the medial border of the acromion theek hai bete this one yes sir okay Now the third one is the coracoid process. यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना जी coracoid process over here you can see this one coracoid process right so it is a hook like structure which is present on the let me show you you see this one this is a hook like structure which is present over the lateral edge of the anterosperior aspect of the scapula ठीक है ये anterior view है ना बेटे so anterosperior aspect ठीक है superior the anterior aspect of the lateral edge of the scapula and this is called coracoid the coracoid it's a Greek word for the raven like black crow so it looks like the beak of the black crow ठीक है raven's crow or the crow's beak ठीक है जी raven's beak or the crow's beak It is just like the beak of the crow. ठीक है जी? So it is the thick curved process which is attached by this broad base to the upper part of the neck of the scapula. I told you ना जी glenoid cavity. Glenoid cavity is also called as the head of the scapula, and head is always followed by this a narrow constriction that is called as the neck of the scapula. ठीक है? So this coracoid process is attached where by its broad base it is attached over the upper part of the neck of the scapula. Is it clear? Location and it is directed forwards and laterally. Yes, sir. ठीक है, it is directed forwards and laterally. ठीक है बेटे, no problem. No. What is the function of this coracoid process? The function of the coracoid process, it is basically coracoid process along with this acromion. ठीक है, they are going to stabilize the scapula. कैसे करेगा जी stabilize scapula को ये? Anybody? Sir, ligament attached होंगे इस वजह से शायद. ठीक है. किससे attached होंगे? Sir, coracoid processes से हमने पढ़े थे clavicle वाले में भी शायद. और acromion किससे joint बना रहा है? Clavicle से.
So coracoid process together with the acromion stabilizes the scapula by forming the joint, ठीक है, with the clavicle. Is it clear? ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था ना कि coracoid process जो ligaments जा रहे हैं कौन से थे जी, क्रेको क्लेविकुलर लिगामेंट जिसके कोनॉइड पार्ट था और ट्रेपेजॉइड पार्ट था, द टू पार्ट्स, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, here you can see they are just going to attach to the inferior surface of lateral one third of the clavicle, right? So इनका पर्पस मैंने क्या बताया था, that they are going to hold over the step, you know, the weight of the upper leg. ठीक है, ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द वेट ऑफ द अपर लिंग, ठीक है, टू द क्लेविकल एंड थ्रू द क्लेविकल टू द यू नो एक्सियल स्केलेटन, इज इट क्लियर? सो दे आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, फॉर स्टेबलाइजिंग द स्कैपुला. ये दोनों प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, ये इस जॉइंट की वजह से और इस लिगामेंट की वजह से दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज द स्कैपुला इन इट्स पोजीशन, बिकॉज़ स्कैपुला इज होल्डिंग होल ऑफ योर अपर लिंग, ठीक है ना, बाय दिस जॉइंट, ठीक है, सो दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज द स्कैपुला बाय अटैचिंग विद द क्लेविकल. Right? Okay. Now we'll talk about this insertions. Here you can see this coracoid process over here. So it has got a tip and has got the superior surface, inferior surface, and this is one is the medial border and the lateral border. Right? So by the tip, from the tip of the coracoid process, the two muscles are getting origin. Okay? From the lateral part of the tip, the short head of the biceps is coming over here. ये आपको tip नजर आ रही है जी? The tip of the coracoid process. यहाँ से देखिए दो muscle originate कर रहे हैं. This one is the short head of the biceps, and the other one is that is the cracobrachialis muscle. Two muscles are getting origin from the tip. Lateral part of the tip से जो आ रहा है, that is the long head of the biceps. Sorry, short head of the biceps, and the medial part से जो आ रहा है, that is the cracobrachialis. Two muscles tip पे से originate कर रहे हैं, right? Okay. Along over here, the medial border of the coracoid process and its superior surface. It is receiving the insertion of another muscle that is called as a pectoralis minor muscle. ठीक है जी, tip से दो